हेलो डियर स्टूडेंट राइट, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक्स प्लस वाई ढूंढने का। क्या ढूंढने का अपने को? एक्स प्लस वाई। तो स्टार्ट कर देता हूँ, मोबाइल रख देता हूँ, लेट्स बिगिन। चलो आ जाओ। तो इसके पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, इसमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन था मिला, चलो ये भी सॉल्व कर देता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से करता हूँ, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स ये है, इसके आगे चार लिखा है, मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चार से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फोर वन दा फोर, फोर टू ज़ा एट, फोर जीरो ज़ा ज़ीरो, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, फोर वन दा फोर, फोर टू ज़ा एट। फिर माइनस डाला, फिर ब्रैकेट डाल दिया, राइट। ये सेम लिखना पड़ेगा एज इट इज़, ठीक है। इसको एज इट इज़ लिखेंगे। इधर छोटा सा मैट्रिक्स दिया है और ढूंढना क्या है, एक्स वाई जेड। क्या ढूंढना है? एक्स वाई जेड। अभी क्या करें, इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, दोनों मैट्रिक्स को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसको एज इट इज़ लिख दो, जिसको सॉल्व नहीं करना इसको एज इट इज़ लग देने का। तो चार में से तीन गया एक, आठ में से दो गया छः, जीरो में से वन गया माइनस वन, बारह में से चार गया आठ, चार में से दो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो चार और दो छः हो जाएगा, आठ में से चार गया तो चार आ जाएगा, राइट। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, आप देख सकते हैं, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करना पड़ेगा, अभी आपको मालूम है क्या, तो इसका ऑर्डर लिखना पड़ेगा। ऑर्डर क्या है, एक दो तीन, तीन रो है दो कॉलम है, इसका दो रो है और एक कॉलम। तो लास्ट का दो मैच, इधर का फर्स्ट मैच होना चाहिए, मतलब ये पॉसिबल है। आंसर कैसे बनेगा, तीन और एक में बनेगा। तो एक्स वाई जेड ढूंढने का है, चलो ढूंढता हूँ। तो मल्टीप्लाई करने का, राइट। तो आ जाओ, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इसको इससे। वन ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व। अब इस बीच वाली लाइन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो वन को ज़ीरो से करेंगे, ज़ीरो आ जाएगा, एट टू ज़ा सिक्सटीन। लास्ट वाले को इससे करेंगे, सिक्स ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, फोर टू ज़ा एट, है ना। अब इसको अच्छे से आंसर क्या कर देंगे, सजा के लिख देंगे, एक्स वाई जेड। ये 12 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। तो इस तरह आपने एक्स वाई जेड फाइंड कर लिया, राइट। तो एक ये टाइप का सवाल में तुमको एग्जाम में आ सकता है। और दूसरा क्या है, एक इधर है एक्स, क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो अभी ये अपने को इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करना है, लेट्स ट्राई करते हैं। आगे 2 है, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 वन ज़ा 2, 2 थ्री ज़ा 6, 2 ज़ीरो ज़ा 0, 2 एक्स, है ना। इसको सॉल्व करके आए हैं, इसको एज इट इज़ रखो, वाई 0 1 2 5 1 6 8 दिया, ठीक है। अभी क्या किया, इधर दोनों के बीच में एडिशन दिया, अभी दोनों को ऐड कर दो, ये दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो इसको एज इट इज़ रख दो, इसको सेम रख दो ना, 2 प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 2 प्लस वाई, 6 प्लस 0 6 हो जाएगा, 6 और 0 6, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 2x, 2x को 2 से ऐड करें, 2x प्लस 2 क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2, ठीक है। तो ये हो गया। अभी इसको अपने को इक्वेशन के नाम दे देने का, तो ये पहला वाला ये दे दो, ये क्या है, 2a, 2 प्लस वाई इक्वल किसके बाजू में, 5 के बाजू में, तो इसको दे दे 2 प्लस वाई इक्वल टू 5। और ये लास्ट वाला दिख रहा है, इसको ये 1, 2, 3, 4, तो इसको 8 दे देंगे, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8। अब इसको सॉल्व करेंगे, अपने को मिलेगा y प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, राइट। अब ये कहते सॉल्व करेंगे, 2x है तो नंबर को शिफ्ट करो, प्लस इधर आएगा तो माइनस होता है, 8 में से 2 गया 6, अभी नंबर चिपक के रहेगा तो डिवाइड होगा ना, तो उसको सॉल्व करके 3 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो y और x मिल गया, तो क्या हुआ, x कितना है, 3 आया, y भी कितना है, 3 आया, ठीक है, लिख दिया तुमने आंसर। एक ये वाला सम भी तुम्हारा सॉल्व हो गया। अब एक थोड़ा और डेंजर वाला सम दिया है, आओ करा दो, ए बी सी दिया है, इधर क्या बोला, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, कंडीशन दिया है। तो अभी ए को लिखेंगे, बी को लिखेंगे इज इक्वल टू सी, तो सी को इधर लिख देते, 3 माइनस 2 10 7, हाँ, ए कितना है, 1 2 माइनस 1 माइनस 2 2 एक्स माइनस 1 और वाई, ये ऐसे लिख दिया, राइट। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व करना पड़ेगा मतलब क्या, पहले ए और बी को ऐड करेंगे, तो चलो इधर लिख देता हूँ ऐड करके, तो ये 3 रहेगा, ये 10 रहेगा, ये माइनस 2 रहेगा, सेम 1 प्लस 2 3, 2 प्लस एक्स 2x, माइनस 1 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, ये माइनस 2 है और प्लस 5 है, माइनस 2 प्लस 5, तो इधर देख देंगे माइनस 2 प्लस 5। अभी ऐसा हो गया है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा अपने को, राइट। सॉल्व कैसे करेंगे, ये सेकंड दिया है ना, तो सेकंड को क्या नंबर देंगे, सेकंड वाला देंगे, तो ये क्या, ये 2x है, इसको 10 आ जाएगा, 2x को क्या दे दिया, 10 आ गया। लास्ट वाला क्या, माइनस 2 प्लस वाई इज इक्वल टू फोर्थ वाला 7 आएगा, मतलब इसको ये वाली वैल्यू दिए, इसको ये वाली वैल्यू दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, राइट, 10 है, 2 किधर आ जाएगा, नीचे आएगा, तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी तुम्हारी। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, y है, माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2 आ जाएगा, माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाला सम तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, राइट।
तो इसमें भी क्या ढूंढने का था, एक्स और वाई ढूंढने का था। तो ये वाला भी सम है, अच्छे से प्रैक्टिस करके रख लेना, एग्जाम में काम आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।